देखिए शिक्षा मंत्री जी जब से शिक्षा मंत्री का पद ग्रहण किए हैं बोलने से कतराते हैं। पहले शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, नौकरी का बात किए हैं तेजस्वी जी 25% शिक्षक नियुक्ति करेंगे, लेकिन कब करेंगे? 2025 में करेंगे या 2024 में करेंगे? ये भी स्थिति उनको स्पष्ट करनी चाहिए। अभ्यर्थी 2019 से परेशान है, चाहे प्राथमिक का हो चाहे स्टेट के जितने भी छात्र हैं, स्टेट के जितने अभ्यर्थी हैं वो स्टेट के अभ्यर्थी हो, सभी 2019 से परेशान है। जो बिहार के शिक्षा मंत्री चाहे प्रोफेसर चंद्रशेखर जी हो या उससे पूर्व में जो विजय कुमार चौधरी जी हो, ये सभी मिल करके बिहार के शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बिहार में वर्तमान में महागठबंधन की सरकार है। जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार बनी उसके बाद लगातार बिहार सरकार यह दावा कर रही है कि 10 लाख रोजगार और 10 लाख नौकरी देंगे, जिसको लेकर कल बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव का यह बयान आया कि करीब 25% जो बहाली है वो शिक्षा विभाग ही बिहार में करेगा, यानी कि 25% जो है बिहार में शिक्षकों की बहाली होगी। हमारे साथ बात करने के लिए अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं आशीष, आशीष से बात करेंगे। आशीष, जिस तरीके से बिहार में वर्तमान में महागठबंधन की सरकार है, लगातार सरकार यह कह रही है कि हम रोजगार देंगे, रोजगार पे काम कर रहे हैं, वहीं 25% जो बहाली है शिक्षा विभाग में होनी है, कल चंद्रशेखर यादव जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री हैं उनका बयान आया, क्या कहिएगा? देखिए शिक्षा मंत्री जी जब से शिक्षा मंत्री का पद ग्रहण किए हैं बोलने से कतराते हैं। पहले शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, मीडिया को बुला करके बोलते थे, प्रिंट मीडिया को बुला करके छपवाते थे, लेकिन अब देखिएगा जब मीडिया उनके पास जाते हैं, रिसेंट में का वीडियो देखे होंगे, राबड़ी आवास का वीडियो था जिसमें आप देखेंगे वो बसते नजर आ रहे हैं, मीडिया से मीडिया उनके पीछे जा रहे हैं, वो भागते जा रहे हैं। उनको लगा जी कहीं ना कहीं ये सही नहीं है, मीडिया के पास जवाब देना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है जवाब देना, तो रुक करके उसके बाद वो रिप्लाई करते हैं और उसके बाद आप देखिएगा कि उसमें स्पष्ट रूप से कुछ कह नहीं रहे, कह रहे हम बहुत बोल चुके हैं, माननीय तेजस्वी जी इस पर बहुत बोल चुके हैं, इस पर कुछ अब कहना हम लोग को नहीं है। भाई आप 25% कह रहे हैं जो कि 10 लाख में अब जो नौकरी का बात किए हैं तेजस्वी जी, 25% शिक्षक नियुक्ति करेंगे, लेकिन कब करेंगे? 2025 में करेंगे या 2024 में करेंगे? ये भी स्थिति उनको स्पष्ट करनी चाहिए। अभ्यर्थी 2019 से परेशान है, चाहे प्राथमिक का हो चाहे स्टेट के जितने भी छात्र हैं, स्टेट के जितने अभ्यर्थी हैं वो स्टेट के अभ्यर्थी हो, सभी 2019 से परेशान है। प्राथमिक का भी 19 से मामला फंसा हुआ है, लेकिन उनको ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये देखिए जो बिहार के शिक्षा मंत्री चाहे प्रोफेसर चंद्रशेखर जी हो या उससे पूर्व में जो विजय कुमार चौधरी जी हो, ये सभी मिल करके बिहार के शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का काम कर रहे हैं। इनको ना ही बिहार के शिक्षा व्यवस्था से मतलब है, ना ही किसी विभाग में बिहार के विकास से मतलब है, इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ मतलब है तो समझिए अपने पद पर बने रहना, पद पर रहना है, सत्ता में रहना है, सत्ता में रहना है, बस उन पे इसका जो है विशेष फोकस है। बाद बाकी इन लोग कुछ करते नहीं है, समझिए बिना मतलब का बेवजह बयानबाजी करते हैं। आप देखिएगा कि अभी जो ये बोल रहे हैं ये बात, तो कैसे होगा? नियमावली नहीं आया है, पेपर में ये दे रहे हैं क्या नियमावली नवंबर में आ जाएगा, दिसंबर में विज्ञापन निकाल देंगे, तो कहाँ सूचित है? आप तो 2 साल पहले से बहाली पेपर में कर रहे हैं, आप नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकाल रहे हैं? पेपर में देते हैं क्या? हम कभी पेरेंट मीटिंग का ये करते हैं, आप कभी जो है मतलब अभी रिजल्ट कार्ड बांटेंगे तो सुन रहे हैं 7 तारीख को जो है प्राथमिक से लेकर क्लास 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों को रिजल्ट कार्ड दिया जाएगा, पेरेंट को बुलाया जाएगा। तो आप किस प्रकार के रिजल्ट कार्ड दे रहे हैं? आप खुद कह रहे हैं हम शिक्षा विभाग में इतना रिक्ति निकालने जा रहे हैं और शिक्षक इतने पद को भरने जा रहे हैं, यानी कि आपके विद्यालय में शिक्षक नहीं है, और उस बच्चों को रिजल्ट कार्ड कैसे दिया जा रहा है, उसको पढ़ा कौन रहा है? विद्यालय में बच्चे जो बिना शिक्षक के पढ़ते हैं, बिना किताब के पढ़ते हैं, उनको किताब नहीं दिया जाता है, जब उनको पैसा अकाउंट में भेजा जाता है किताब के लिए, तो आप समझिए किताब के लिए भेजा जाता है, बच्चा गरीब होता है उस पैसा का दूसरे चीज़ में प्रयोग कर लेता है। तो शिक्षा ये सरकार को पहले सोचना चाहिए कि भाई उसको किताब उपलब्ध कराएं, पैसा नहीं दे, किताब उपलब्ध कराना चाहिए था। तो बिना ये किताब का जो है इन लोग परीक्षा लेते हैं, बिना शिक्षक का पढ़ाई करवाते हैं, और रिजल्ट कार्ड क्या चीज़ का दे रहे हैं ये तो सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। अस्वस्थ नहीं है आप शिक्षा मंत्री की बातों से? बिल्कुल, शिक्षा मंत्री कोई बिहार के कोई अभ्यर्थी आश्वस्त नहीं है इस बात से लेकर के। देखिए शिक्षा मंत्री जी जो है बस बयानबाजी कर रहे हैं ना, वो स्पष्ट रूप से उनको निकालना चाहिए। अगर आप सचमुच में बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं तो ये एक दिन अगर आप नहीं पढ़ते हैं, अगर किसी भी विषय को या कोई एक छात्र अगर एक दिन स्कूल नहीं जाता है या कोचिंग नहीं जाता है, तो उसको मैनेज करने में, उसको पढ़ने में उसको 1 सप्ताह लग जाता है। ठीक है, आप समझिए बिना सिलेबस कंप्लीट किए हुए, बिना कुछ पढ़े हुए इस तरह का काम करता है, सो क्या कहिएगा? ये तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था पूरा गर्त में जा रही है। और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का बात है जो समझिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है,
जो बच्चा जो है जाता है माध्यमिक में प्लस टू में जाते हैं तो वहाँ से उसका विकास शुरू होता है और वहाँ से उसका लाइफ डिसाइड होता है कि आगे किस ओर वो जाएगा। लेकिन वहाँ पे शिक्षक नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में शिक्षक नहीं है, चाहे सामाजिक विज्ञान के ले लीजिए, चाहे कंप्यूटर साइंस का ले लीजिए या अन्य विषय जितना भी है। और जब हम लोग जब विपक्ष में थे तेजस्वी जी, आरजेडी जब विपक्ष में थी तो हम लोग उनके पास जाते थे और बिहार गजट एक लेकर के जाते थे और उनको दिखाते थे, देखिए सरकार का ही ये बनाया गया नियम है जिसमें सामाजिक विज्ञान के दो शिक्षक जो है प्रत्येक विद्यालय में रहना चाहिए। इस बात को लेकर उनको दिखाते थे, कहते बिल्कुल रहना चाहिए, सरकार इसको नहीं मान रही है, सरकार बदलना पड़ेगा, ये शिक्षा मंत्री बदलने से कुछ नहीं होगा, सरकार बदलिए। तो आप बिहार गजट को फॉलो करने को लेकर के वो स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं, उनको स्पष्ट करना चाहिए, शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव को स्पष्ट करना चाहिए और स्पष्ट कर देते कि 7-8 हज़ार सामाजिक विज्ञान में रहेंगे। तो हम स्पष्ट कर दें कि आप जितने अभ्यर्थी को क्वालिफाई किए हैं आपके पास रिक्ति जो है बढ़ा के दीजिए, बिहार गजट को फॉलो कीजिए। 9360 विद्यालय है, अगर आप उसमें देखिएगा अभिषेक जी, तो उसमें अगर बिहार गजट को फॉलो किया जाता है तो सामाजिक विज्ञान के एक भी शिक्षक बाहर नहीं रहेंगे, ये कन्फर्म है, इस तरह की बात है। और शिक्षा विभाग को ये दीपक कुमार सर जो है, इनके आने से शिक्षा विभाग में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इनके आने से कोई ऐसा काम ये गिना दे जो कोई अच्छा काम किए हैं। ये तो कह रहे हैं कि कार्य हो रहा है, शिक्षा विभाग में कार्य हो रहा है, बहाली को लेकर तैयारियां चल रही है लगातार, ये कहते हैं बिहार के जो शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव हैं। बिल्कुल तैयारी तो चल रही है और कार्य भी हो रहा है और भर्ती प्रक्रिया भी हो रही है, लेकिन वो न्यूज़पेपर में, पुनः आज हमको न्यूज़पेपर में देखने को मिला है जो कि नवंबर में जो है नियमावली बन के तैयार हो जाएगा, दिसंबर या दिसंबर लास्ट तक में जो है हम शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के 7th फेज के लिए जो है नोटिफिकेशन निकाल देंगे। लेकिन ये सिर्फ इनका जो है न्यूज़पेपर में चलता है, कहीं कुछ नहीं है। अगर आप सही में दीपक कुमार सर अगर ईमानदारीपूर्वक काम करेंगे तो अभी तक में उनका न्यायावली लॉन्च हो जाना चाहिए था, न्यायावली क्लियर आ जाना चाहिए था सबके पास, अभ्यर्थी के पास बहाली की प्रक्रिया क्या होगी इस पर इनको स्पष्ट करना चाहिए था। और ना ही देखिए शिक्षा नीतीश कुमार जी अगर कहिएगा, बिहार की शिक्षा व्यवस्था इतिहास में अगर याद किया जाएगा तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने में माननीय मुख्यमंत्री जी का हाथ है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अगर आदेश देंगे शिक्षा विभाग को, दीपक कुमार सर को, शिक्षा मंत्री जी को या तेजस्वी जी मुख्यमंत्री जी को कहेंगे जो कि आप इस पे बैठक करिए और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करिए, अब पेपरबाजी बहुत हो गया तो क्या शुरू नहीं होगी? दिनों तो मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि जिस तरीके से पठन पाठन में अभ्यर्थियों को दिक्कत हो रही है, जहाँ शिक्षकों की कमी है वहाँ पर शिक्षकों की बहाली की जाए। देखिए मुख्यमंत्री जी को हम कहेंगे, वो एसी में बैठ करके उसका एसी के जो रूम होते हैं वहाँ से बैठ के डिसीजन लेते हैं। एक बार जो आपका जो शिक्षा व्यवस्था जो जर्जर है बिहार का शिक्षा व्यवस्था, उस विद्यालय में जा करके भ्रमण करिए, आप देखेंगे। स्वास्थ्य मंत्री हैं माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वो PMCH गए थे और बिना कोई सूचना के गए थे, 12 बजे रात में गए थे, तो उनको सच्चाई स्वास्थ्य विभाग का दिख गया, सच्चाई स्वास्थ्य विभाग का दिख गया। तो उसी तरह से बिना सूचना दिए हुए शिक्षा मंत्री जी या तेजस्वी प्रसाद जी भी, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ वो बिहार के उप मुख्यमंत्री भी है, तो उनको चाहिए कि विद्यालय में आप जाइए बिना कोई सूचना का, इसी तरह जाइए और देखिए कितना शिक्षा का और किन किन विषयों की पढ़ाई हो रही है, बच्चों के पास पुस्तकें हैं कि नहीं है, विद्यालय में शिक्षक है कि नहीं है। रुकना चाहेंगे, बिहार के नए शिक्षा मंत्री जो बने हैं चंद्रशेखर यादव, वो तो अभियान चला रहे हैं लगातार, तमाम जगहों पर अधिकारियों से छापामारी करवा रहे हैं, कह रहे हैं कि जहाँ पर शिक्षक नहीं है, जहाँ अभ्यर्थियों को दिक्कत हो रही है वहाँ पर जाकर छापेमारी कीजिए और जल्द से जल्द जो है जो शिक्षक नहीं है उन पर कार्रवाई कीजिए। बिल्कुल, अगर जो शिक्षक नियुक्त है जो विद्यालय में कार्यरत हैं उनको विद्यालय नियमित आना चाहिए, इसके लिए अगर वो स्टेप उठा रहे हैं तो इनका मैं स्वागत करता हूँ। और बायोमेट्रिक करिए, आप स्वास्थ्य विभाग में बायोमेट्रिक कर रहे हैं तो आप तमाम अधिकारी विद्यालय में भी आप बायोमेट्रिक सिस्टम करिए, बहुत अच्छी बात है। आप सैलरी देते हैं तो उसका शिक्षा का दायित्व है कि वो शिक्षा प्रदान करें और बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि बच्चा जो है देश का भविष्य, बिहार का भविष्य, यही बिहार को आगे ले जाने का काम करेगा। तो इसके लिए तो मैं शिक्षा मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन आप जब 7th फेज का बात आती है, जब उनसे पूछा जाता है तो वो गोल गोल जवाब दे देते हैं, क्लियर स्पष्ट रूप से वो ये चीज़ नहीं कर पाते हैं। तो हमारा स्पष्ट उनसे कहना है कि आप 7th फेज का नोटिफिकेशन अविलंब निकालिए, नियमावली क्या है उसको भी स्पष्ट करिए, ये गोल गोल जवाब मत दीजिए, नहीं तो ये जो बिहार का जो युवा है, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, ये शांत नहीं है। आप सोच रहे होंगे जो कि आप किसी दो को, दो चार को जेल में डाल दिए, आवाज़ को दबा दिए, अभ्यर्थी अगर प्रदर्शन करते हैं तो आप उसकी आवाज़ को दबाते हैं, ये दबाना बंद करिए। ये सभी जो है अंदर जो है सब में समझिए ज्वाला है एक तरह से, ये ज्वालामुखी जब फटेगा
तो शिक्षा मंत्री जी को समझ में आएगा जो किस बिहार को जो ठगने का काम करेंगे, फिर आगे भविष्य उनको जवाब देना पड़ जाएगा सर। देखिए हमारे साथ आशीष थे, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, लगातार जो है अभ्यर्थियों को लेकर आवाज़ उठाते हैं और खुद शिक्षक अभ्यर्थी हैं। जिस तरीके से बिहार के शिक्षा मंत्री ने यह कहा है कि 2 लाख रोजगार जो है शिक्षा विभाग में ही दिया जाएगा, तो कब दिया जाएगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार शिक्षक अभ्यर्थी परेशान चल रहे हैं और यह मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी बहाली हो। सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि बहाली करेंगे लेकिन कब करेंगे ये बड़ा सवाल है। देखिए शिक्षा मंत्री ने यह साफ कहा है कि 25% जो बिहार में बहाली होनी है वो शिक्षा विभाग में होगी। जिस तरीके से हमारे नेता ने वादा किया है कि 10 लाख रोजगार जो है दिया जाएगा, तो इस पर जो है 25% जो है बहाली शिक्षा विभाग में किया जाएगा। फिलहाल क्या कुछ कहते हैं आशीष, आपने सुना है जिस तरीके से सरकार बातें कह रही है, टाल मटोल कर रही है, उसको लेकर आशीष ने यह साफ कहा है कि जुमलेबाजी जो है वो हो रही है, कहीं ना कहीं बात को घुमाया जा रहा है, बहाली नहीं हो रही है। वहीं आशीष का क्या कुछ कहना था आपने सुना है। देखने वाली बात यह होगी कि कब तक तमाम शिक्षकों की बहाली होती है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। पटना से सहयोगी अजय के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।